जशन, अफगानिस्तान की सड़कों पर जशन, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ये बनता है जशन भाई, ये मेहनत है। ये डांस देखिए, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। मुकाबले में मिली जीत के बाद सारे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है। जगह जगह लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं, तो कहीं मेले जैसा वातावरण है। लेकिन अभी तो अफगानियों का दिल जीतना बाकी था, जब भीड़ में अफगानी झंडे के साथ भारतीय झंडे को जश्न में एक साथ लहराता देखा गया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? फोड़ दो टीवी। अबे सालो टीवी मत फोड़ो, खिलाड़ियों के सिर फोड़ो, ये तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। क्या करे पाकिस्तान। जय दोस्तों, भाई अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और भाई एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं तो दूसरी तरफ टीवी और सिर फूट रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये जशन, समझ कुछ नहीं आ रहा भाई, खत्म। अरे हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको टोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग है हमको टोल करता है। देखो आप इंग्लैंड भी 9 नंबर 10 नंबर पे, कोई चूतिया सा उन लोगों को तो नहीं टोल करता है। आप देख इसके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर, हम 9 नंबर पे 10 नंबर पे तो नहीं है, फिर भी क्यों हमको टोल करते। और भी टीम है, पाकिस्तान को टोल करते हैं, इतना टोल हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो डिसअपॉइंट होते हैं मेरे ख्याल से सपोर्टर्स होते हैं, पी आर के ऊपर कुछ नहीं होता है। वो अच्छा नहीं खेलेगा, सैलरी मिलेगा 8-9 लाख का महीने, एक महीने में मिलता है उन लोगों को। कोच लेके आया है, जो भी ले आया है, 8 साल से एक ही बोर्ड प्रेसिडेंट है बोर्ड में, तो कैसे सुधरेगा कैसे? जब 8 साल से एक बोर्ड प्रेसिडेंट रहेगा जो कभी क्रिकेट तक नहीं खेले है, तो वो कैसे मैनेज करेगा टीम को? हाँ बात हुआ, देखिए हमारा बांग्लादेश का जो तमीम इकबाल है बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो ओपनिंग करते हैं, मगर उसको लेके जो है पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर वो अवसर कर लिए थे, रिटायर किए थे क्रिकेट से, उसको बताया गया कि आप लोग अब जो है अब क्रिकेट खेलिए। तो वो वापस जब आए तो बांग्लादेश जो है उसे दुनंबरी किया, उसको टीम में नहीं लाया। ओपनिंग उनको नवाने का बात है, बताया गया आपको 9 नंबर में नवाया जाएगा, तो बोले हम भाई 9 नंबर में नहीं नाम सकते, हम शुरू से खेलते आए हैं ओपनिंग में, अभी भी ओपनिंग नामेंगे हम, इसके लिए उसको लिया नहीं गया। आज जो बांग्लादेश का ये हाल है, एकमात्र तमीम इकबाल के लिए ऐसा अवस्था हो रहा है। बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, बजा डाला, लिटा डाला, घुमा डाला, जिए, वाह भाई वाह, क्या मैच खेला अफगानिस्तान। अबे ये क्या क्या देखेंगे, चुप चुप के, कभी खुल के देखो, आगे जीत का मजा लो, क्रिकेट का मजा लो। अबे इस तरह चुप चुप के देखोगे तो लालच पड़ी रहेगी तुम पे और तुम्हारी क्रिकेट पे, निकल कर आओ तुम्हारी ऐसी की तेजी। ऐसे कहते हैं जिसको 119 डिफेंड किया हुआ कप्तान रोहित शर्मा ही जानता है कि राशिदी कर सकता है 116 पे डिफेंड। ये मैच जीतना क्यों जरूरी था, हम बात करें अफगानिस्तान को क्यों जीतना जरूरी था, क्योंकि भाई और हर भारतीय, हर अफगानिस्तानी भारत की जीत पर, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जीत पर भारतीय क्यों खुश होते हैं, यह कभी सोचा? मैं बताता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान आया उस समय, पाकिस्तानियों ने उनको भाई अमेरिका को, आप लोगों को पता होगा फिलहाल भी जो तालिबान हो TTP बनी हुई है उनकी, और जो अमेरिका हथियार छोड़ के चला गया था वो उनको यूज़ कर रहे हैं, और किन के खिलाफ कर रहे हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन थी जो, वहाँ से टीम को निकाला है, टीम को उभारा है, टीम यानी कि
उस समय भाई खाने के भी लाले पड़े हुए थे अफगानिस्तान टीम के ऊपर, और उस सिचुएशन में से जो राशिद खान है, और भाई एक और बात बताऊं, सिचुएशन कैसी भी आई अफगानिस्तान टीम हो या फिर देश हो, भारत ने ऐसे उसका हाथ पकड़ के रखा है। वो उसमें भाई जो खाद्य सामग्री के वो हो या फिर मेडिकल हो या फिर पैसों से हो या फिर सुविधाओं से, किसी भी तरह की उनको नीड रही अफगानिस्तान को, भारत उसके साथ खड़ा रहा। और एक साइड में ये भी इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, और एक भाई वो भी इस्लामिक मुल्क अफगानिस्तान, ये होते हैं भाई असली मुसलमान असली पठान। अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान ने आज न सिर्फ अफगानिस्तानियों का दिल जीता है बल्कि पूरे विश्व का आज इन्होंने दिल जीत लिया है, जो खेले हैं जो बजाया है। सबसे पहले अफगानिस्तान के लिए भाई लाइक जरूर कर दे, और ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर गई थी, आज भाई अफगानिस्तान हार जाता भारत चला जाता उससे कोई लेना देना, इनका जो बांग्लादेश से दुश्मनी नहीं थी, आज जो असली दुश्मनी थी ऑस्ट्रेलिया से थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में जाता तो वही पता है मेरे को साउथ अफ्रीका तो हारेगा, और जो अफ्रीका फिर ये जो बचता ऑस्ट्रेलिया 100% फाइनल में जाता, और या फिर भाई इंडिया को वहाँ पर जाकर ठोकता, क्योंकि कल भी जो मैच है ट्रेविस हेड वहाँ पर आउट ना होता भाई, हेड में तो पेन कर दिया था पूरे भारत का। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जय जवाहर जय श्री राम।